मैग्नीज और इंडिया लिमिटेड की ओर से एक शिकायत दर्ज हुई थी, जिसमें उन्होंने टेंडर देकर रेती सप्लाई के लिए कॉन्ट्रैक्टर नियुक्त किया गया था। वह जो रेती सप्लाई मॉयल को मिला था उसके लिए जो ईटीपी यूज किया गया था वह बोकस था, यह जांच में पता चला, जिसके लिए एक एफआईआर सदर पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया है। इस मामले में फिलहाल एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। फिलहाल इस मामले को क्राइम ब्रांच पुलिस को सौंपा गया है। इस मामले में कौन कौन से लोग इस रैकेट में शामिल है इसका खुलासा शहर पुलिस कर रही है। मैंगनीज और इंडिया लिमिटेड की तरफ से एक फिरियाद हमारे पास प्राप्त हुई थी, जिसमें उन्होंने कोई एक टेंडर देकर के रेती सप्लाई के लिए कंट्रैक्टर नियुक्त किया था। वो जो रेती सप्लाई मॉयल को हुआ था, उस सप्लाई के दरमियान जो ईटीपीज यूज़ किए गए थे वो बोगस थे, ये निष्पन्न हुआ था। इसके लिए एक एफआईआर, एक ऑफेंस सदर पुलिस स्टेशन में रजिस्टर हुआ है, जिसको हमने क्राइम ब्रांच को ट्रांसफ़र किया है। उसमें एक आरोपी अरेस्ट किया गया है। प्राथमिक तपास में ये स्पष्ट हुआ है कि ये पूरे ईटीपी जो थे ये बोगस थे, फ्रॉडुलेंट थे। इस पूरी इसमें 120 बी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के भी सेक्शंस लगाए गए हैं। जो भी रैकेट के में शामिल है उस पूरी रैकेट को निष्पन्न करने के लिए और उनको अटक करके कार्रवाई करने के लिए ऑलरेडी हमारी टीम प्रयत्न। मैं किसी व्यक्ति विशेष के बारे में टिप्पणी करने में अभी फिलहाल असमर्थ हूँ। तपास प्राथमिक स्टेज पे है। जो जो आरोपी निष्पन्न होंगे उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। कौन इंडिविजुअल है उसके बारे में टिप्पणी करने में कोई अर्थ नहीं।